दोस्तों स्टूडियो स्टार्टअप बहुत प्यार जन निका जस स्वागत ते आज मेरे नाल ने हरजिंदर चौहान जी केड़े की देर के ट्वाडे क्वेश्चंस दे आंसर सारे को काफी सारे क्वेश्चंस पहुंचे हुए ने ते आइए गल बात करते हैं हरजिंदर चौहान जी नाल पहले तो ट्वाडा बहुत-बहुत स्वागत सच्चाई हेलो डियर ते केड़ी की करंट सिचुएशन चल रही है वैसा हमेशा ही गल कर देंगे इस टाइम करंट रूल्स की चल रहे ने इमिग्रेशन दे उते ते करंट सिचुएशन दे हिसाब दे नाल आपा गल कीती सी की पीछे करके ऑनशोर दी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उन्होंने बैटर अपॉर्चुनिटी मिल रही ने जॉब दी बैटर अपॉर्चुनिटी मिल रही ने स्पॉन्सरशिप बैटर अपॉर्चुनिटियां मिल रही ने ते पिछले जो एक वीज़ा कुड़ी 2008 तो इतने से ही सिर्फ आलमोस्ट बीन 13 ईयर वह वीज़ा एक्सटेंड किया आई मीन जो उन्हें पहले सारिया मास्टर बैचलर कर लिया से ग्रेजुएट डिप्लोमे एक्सटेंड किया वह वीज़ा एक्सटेंड हो गया दो साल का आई मीन इमीग्रेशन डिपार्टमेंट इज वेरी वेरी लीनियंट इफ यू आर ऑनशोर एक चीज होनी करंट ये भी आई है जी कि ओकड़ा इनका काम करने का टाइम है वो भी बढ़ा लगे है बढ़ा रहे हैं हां जी इफ यू वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री एंड नर्सिंग इंडस्ट्री यू कैन वर्क मोर देन 40 आवर्स जी तुम कई इंडस्ट्रीज में अनलिमिटेड भी क्या है तुम काम कर सकते हो स्पेशली इन द नर्सिंग फील्ड ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि तुम इस टाइम इथे अभी तुम्हें मौका मिले है और काम करने का ये बहुत अच्छी चीज है तो रीजनल एरिया एक तो है जे तुम उत्ते दो साल अपना कोई कोर्स किया स्टडी की है दे विल ऑफर यू 491 वीज़ा एंड अदर ये है जे तुम उत्ते एक साल तो रह रहे थे एक साल तो काम कर रहे सपोज कोई शेफ आ शेफ उत्ते रह रहा वा रीजनल एरिए एक साल तो शेफ काम कर रहा रीजनल एरिए तो देर आर वेरी गुड चांसिस दैट दे विल गेट 491 वीज़ा थर्ड ए या थर्ड ऑप्शन ये होंगी है जो तुम ऑफशोर दे जिम्मे ओवरसीज दे जे तुम कोई ऑफर लैटर मिल जाती है जे इंप्लायर को जो रीजनल एरिए ऑफर लैटर देता वा तो वह 491 वीजे पास एलीजिबल हो जाते हैं पर एट द मोमेंट गवर्नमेंट इज नॉट ऑफरिंग एनी इनविटेशन फॉर दैट कैटेगरी क्योंकि ऑफशोर तो कोई आ नहीं सकता इस करके नंबर वन कैटेगरी या नंबर टू कैटेगरी ही लोगों को नोमीनेट कर रहे हैं Do you need any skill assessment to apply? हाँ जी हाँ साढ़े को मतलब कि बहुत जन फोन कॉल्स होनी है ना कई बच्चे ने हले दो साल का डिप्लोमा पूरा किया कि मैं रीजनल एरिए मूव हो जाए मैं 491 वीज़ा मिल जाएगा हाँ जी मिल जाएगा पर यू शुड मीट सम बेसिक रिक्वायरमेंट स्किल असैसमेंट इज वेरी वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो तेरे को स्किल असैसमेंट नहीं है तो जितने मर्जी मूव हो जाओ तो कुछ नहीं होना पहले तो स्किल असैसमेंट करवानी पैनी है जो भी तुम स्टडी की जो भी तुम अपना जॉब किया there are different ways of doing skill assessment how professional skill assessment different ha ji skill assessment ta chalo ho gayi ha te score da ki kehnde ha ha ji score easy hai ede vich 50 tade apne point banne chahide hai baki tonu government dendi 15 point government okay minimum tonu 65 point chahide hai oh tak kitthe ja sakde easy hai vaise score je tada diamond 70 75 banda va phir vi there are good chances you can get in सब तो ज्यादा वड्डा ते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली अपने पंजाबियों वास्ते कि इंग्लिश दे बैंड किने चाहिए हां इंग्लिश दे बैंड ते जी 6 ईच चाहिए कॉम्पिटेंट इंग्लिश चाहिए फिर भी ठीक है 6 बैंड ईच होन के तडे नॉर्मल पॉइंट नहीं मिलदा 6 बैंड दा पर जे तडे 7 ईच होन ते तुम्हें पॉइंट मिलदा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जांदा है नहीं तो फिर तो यही कहना चाहिए कि 7 ही चाहिए हां जी पर 6 ईच ना भी देयर आर गुड चांस दे डिपेंड करदा कि तुसी केड़े ऑक्यूपेशन दे अंडर अप्लाई कर रहे हैं सम ऑक्यूपेशन दे यू डोंट नीड 7 6 व्हिच विल डाटा कम चल जाएगा ते कितना लंबा हा लॉन्ग वीजा कितना लंबा मिल जाता है उस तो बाद वीजा ना नु 5 साल का वीजा मिल जाएगा हां जी 5 साल का वीजा तो मिल जाएगा 491 यू कैन वर्क एंड स्टे इन रीजन एरिया ते कोई सैलरी दी भी रिक्वायरमेंट है की है कि अगर आपा ओथे जाके वर्क करते हैं तो मिनिमम एंड मैक्सिमम कुछ हां जी मिनिमम तुम सैलरी गवर्नमेंट तुम एक बार वीजा दे देता वो कहते 5 साल का जो
3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਓਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਹੋਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ $54,000 ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਓਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਈਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੀਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੀਸ ਡੇਜ਼ ਹੀਪਸ ਆਫ ਜੌਬਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਫ ਯੂ ਗਾਟ ਅ ਸਕਿਲਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੋ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤੇ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ